आज हम स्टार्ट करेंगे सेकंड चैप्टर गाउस का नियम एवं इसके अनुप्रयोग। पिछले अध्याय में हमने स्थिर बिंदु आवेश, बहुल आवेशों के निकाय तथा विद्युत द्विध्रुव के कारण विभिन्न स्थितियों में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अध्ययन किया, यानी अक्षीय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में तथा किसी बिंदु पर, एनी पॉइंट पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया। आवेशों के निकाय के कारण किसी बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हमने अध्यारोपण के सिद्धांत का सहारा लिया, यानी अध्यारोपण के सिद्धांत का अध्ययन किया। अब बात आती है इस चैप्टर में, इस अध्याय में आवेशों के सतत वितरण, आवेशों के सतत वितरण इसकी चर्चा मैं करूंगा। आगे आपको पढ़ाऊंगा कि आवेश वितरण कितने प्रकार का, तीन प्रकार का, रेखीय आवेश वितरण, रेखीय आवेश वितरण थोड़ी चर्चा कर रहा हूं, पृष्ठीय आवेश वितरण और एक आयतनिक आवेश वितरण। आवेशों के सतत वितरण के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए गाउस का नियम बहुत ही उपयोगी होता है, गाउस का नियम बहुत ही उपयोगी होता है। अब बात आती है कि कूलाम के नियम से यह काम नहीं किया जा सकता क्या? कूलाम के नियम से यह कार्य करना थोड़ा जटिल होता है, थोड़ा जटिल होता है, यानी कैलकुलेशन क्या होती है, टफ होती है। इसलिए आवेशों के सतत वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने में गाउस का नियम बहुत ही उपयोगी है। गाउस के नियम को समझने के लिए हमें विद्युत, गाउस के नियम को समझने से पहले हमें विद्युत फ्लक्स की अवधारणा का अध्ययन करना पड़ेगा। विद्युत फ्लक्स यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स का अध्ययन करना पड़ेगा जो क्षेत्रफल सदिश पर आधारित है, क्षेत्रफल सदिश पर आधारित है, एरिया वेक्टर। थोड़ी सी बात समझ में आई होगी कि इस अध्याय में हम आवेशों के सतत वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अध्ययन करेंगे। आवेशों के सतत वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने में गाउस का नियम बहुत ही उपयोगी होता है। गाउस के नियम से विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए विद्युत फ्लक्स की अवधारणा यानी विद्युत फ्लक्स का अध्ययन करना पड़ेगा जो कि क्षेत्रफल सदिश यानी एरिया वेक्टर पर आधारित है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे विद्युत फ्लक्स से भी पहले एरिया वेक्टर यानी क्षेत्रफल सदिश। क्षेत्रफल सदिश यानी एरिया वेक्टर, क्षेत्रफल सदिश जब समझ में आएगा तभी समझ में आएगा विद्युत फ्लक्स। देखिए क्षेत्रफल कैसी राशि है, क्षेत्रफल एक सदिश राशि। अगर हम 10th की क्लास के बच्चे से बात करें तो वो कहेगा जैसे वर्ग का क्षेत्रफल, तो कहेगा भुजा ए है तो ए स्क्वायर। आयत के लिए हम बात करें लंबाई एल और चौड़ाई बी है तो करेगा एल इंटू बी। लेकिन बड़े बच्चे हो गए हो, क्षेत्रफल कैसी राशि है, सदिश राशि है। देखिए कैसे, किसी समतलीय क्षेत्रफल जैसे डी ए, इन्हें एक अल्पांश लिया एरिया वेक्टर पर डी ए में परिमाण के साथ साथ में परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। क्षेत्रफल की दिशा पृष्ठ पर खींचे गए, ये लाइन बड़े काम की है, पृष्ठ पर खींचे गए अभिलंब की दिशा में, पृष्ठ पर खींचे गए अभिलंब की दिशा में बाहर की ओर होती है। क्षेत्रफल की दिशा पृष्ठ पर खींचे गए अभिलंब की दिशा में बाहर की ओर होती है।
यानी मेरा कहने का मतलब यह है कि किसी समतलीय क्षेत्रफल जैसे मान लीजिए ये कोई एरिया है ए, एरिया क्या है ए, इस पर एक अल्पांश लिया, इस पर एक अल्पांश लिया डी ए, डी ए, मैंने बोला कि क्षेत्रफल की दिशा, क्षेत्रफल की दिशा पृष्ठ पर खींचे गए अभिलंब की दिशा में बाहर की ओर होती है। अब यहां आपके बात की गई है 3D की, अगर हम 2D की बात करें तो पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर भी हो सकती है और अंदर की ओर भी हो सकती है, यह बात है 3D त्रिविमीय, त्रिविमीय। तो ये एरिया है ए, इस पर एक अल्पांश लिया DA, बताइए DA वेक्टर की डायरेक्शन, क्षेत्रफल सदिश को रिप्रेजेंट करेंगे DA वेक्टर या कंप्लीट है तो A वेक्टर, इस DA वेक्टर की दिशा, ये तो इसका एरिया हो गया DA, इसकी दिशा पृष्ठ पर खींचे गए अभिलंब की दिशा में बाहर की ओर होती है, यानी किधर, यदि हम डिनोट करने की कोशिश करें तो ये है DA वेक्टर और इसी दिशा में एकांक सदिश है N है, एकांक सदिश है जो इसकी दिशा का निर्धारण कर रहा है। एकांक सदिश बराबर, एकांक सदिश बराबर सदिश बटा में सदिश का परिमाण, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो DA वेक्टर बराबर DA इंटू N कैप, DA इंटू N कैप। दोबारा सुनिए, क्षेत्रफल सदिश यानी एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्षेत्रफल की दिशा पृष्ठ पर खींचे गए अभिलंब की दिशा में बाहर की ओर होती है, यह बात है 3D के लिए। अगर हम बात करें 2D की तो 2D में यदि हम बात करें तो पृष्ठ की लंबवत बाहर भी हो सकती है और अंदर भी हो सकती है। 3D में अगर बात करें, जब हम गॉस का नियम पढ़ेंगे तो इन छोटी छोटी बातों की हमें जरूरत पड़ेगी, पृष्ठ पर खींचे गए अभिलंब की दिशा में, ये लाइन बड़े काम की, क्षेत्रफल की दिशा पृष्ठ पर खींचे गए अभिलंब की दिशा में बाहर की ओर होती है। 2D की बात करेंगे तो वहां पर पृष्ठ की लंबवत बाहर की ओर भी हो सकती है और अंदर की ओर भी, वहां बोथ डायरेक्शन करेक्ट मानी जाती है। जबकि 3D की बात करें सिलेंडर वगैरह की, 3D की, तो वहां पर केवल बाहर की ओर, ओनली बाहर की ओर मानी जाती है। तो ये थी क्षेत्रफल सदिश की बात, ये तो थोड़ा सा किताबी ज्ञान हो गया। अब थोड़ी सी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, क्षेत्रफल सदिश दिमाग में बैठा कि किसी समतलीय क्षेत्रफल जैसे DA में परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, क्षेत्रफल की दिशा पृष्ठ पर खींचे गए अभिलंब की दिशा में बाहर की ओर होती है। क्षेत्रफल सदिश को रिप्रेजेंट करते हैं किससे, इसे DA वेक्टर से दर्शाते हैं, DA वेक्टर से दर्शाते हैं, DA वेक्टर से दर्शाते हैं। अगर कंप्लीट एरिया ए है तो रिप्रेजेंट करेंगे ए वेक्टर से, वेक्टर राशि को, सदिश राशि को। अब थोड़ी सी इस बात को आगे और बढ़ाएं, ये तो थ्योरेटिकल बात हो गई आपकी, विद्युत लक्ष तभी समझ में आएगा जब आपको क्षेत्रफल सदिश समझ में आ जाए, और जब क्षेत्रफल सदिश समझ में, क्षेत्रफल सदिश को विद्युत फ्लक्स समझ में आ जाएगा तो गॉस का नियम अपने आप समझ में आ जाएगा। छोटी छोटी दो बातें थी, एक तो एरिया वेक्टर और एक पढ़ेंगे विद्युत फ्लक्स। दोबारा आइए एरिया वेक्टर, थोड़ी सी फील लीजिए, केवल किताबी ज्ञान से पार नहीं पड़ेगी। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, ए बी सी डी, ए ए ए और ए, ओके, ये स्क्वायर की भुजा है ए ए ए। अगर 10th क्लास के बच्चे से हम पूछते हैं इसका एरिया क्या होगा, भुजा इसका, यानी ए स्क्वायर, लेकिन बड़े हो गए हो थोड़े, एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर, एक सदिश राशि हमने बोला, तो ए बी वेक्टर क्रॉस बी सी वेक्टर,
ए बी वेक्टर क्रॉस बी सी वेक्टर और दोनों के मध्य एंगल कितने डिग्री है 90 डिग्री। अब आपको मालूम होगा, आपने पढ़ रखा है 11th क्लास में कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर ए बी साइन थीटा इनटू एंगल। ओके, सदिश गुणनफल में अदिश गुणनफल होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए बी कोस थीटा, ए बी कोस थीटा। इस बात को आगे बढ़ाए तो एरिया वेक्टर बराबर ए बी ए ए यानी ए ए साइन दोनों के मध्य एंगल कितने डिग्री, ए बी और बी सी के मध्य 90 डिग्री। तो एरिया वेक्टर बराबर ए स्क्वायर साइन 90 की वैल्यू 1। अब बात आती है इधर वेक्टर है तो केवल मैग्नीट्यूड है, केवल क्या है परिमाण, जो तो पहले पता लग रहा था हमें यहां से, लेकिन हमने पढ़ा एरिया वेक्टर तो कुछ नया सीखे। एरिया वेक्टर यानी क्षेत्रफल की दिशा पृष्ठ पर खींचे गए अभिलंब की दिशा में 2D है। क्यों? जो ये आपका स्क्वायर है ये एक्स वाई तल में है, एक्स वाई तल में 2D है। क्या है? 2D। और फिजिक्स में 2D सरफेस को, 2D सरफेस को बोलते हैं ओपन सरफेस, ओपन सरफेस। 2D सरफेस को बोलते हैं ओपन सरफेस, आगे चर्चा करेंगे। 3D सरफेस को बोलते हैं, 3D सरफेस को बोलते हैं क्लोज्ड सरफेस, क्लोज्ड सरफेस। तो एरिया वेक्टर बराबर, अगर यहां ए होता तो ठीक है ए स्क्वायर, लेकिन एरिया वेक्टर तो इसकी डायरेक्शन किधर होगी, डायरेक्शन किधर होगी, एक्स वाई तल में यानी इधर भी हो सकती है, बाहर की तरफ भी और अंदर की तरफ भी, बोथ डायरेक्शन। इसमें क्या होगा? बोथ डायरेक्शन। इसमें ओनली बाहर की ओर, ओनली बाहर की ओर, यह बात थोड़ी ध्यान रखनी है। 2D सर्फेसेज कहलाते हैं ओपन सर्फेस और 3D सर्फेस कहलाते हैं क्लोज्ड सर्फेस। इसमें बोथ डायरेक्शन यानी बाहर की ओर चाहे अंदर की ओर दोनों एप्लीकेबल है, जबकि इसमें केवल डायरेक्शन होती है ओनली बाहर की ओर, पृष्ठ पर खींचे गए अभिलंब की दिशा में बाहर की ओर। इधर ध्यान दीजिए, यहां पर यदि हम बात करें एक्स वाई तल में है इसमें, तो इसकी डायरेक्शन यानी इधर या अंदर, एक्स वाई तल में है तो एक्स वाई के परपेंडिकुलर प्लेन कौन सा होगा, जेड। अब यह आपको मालूम होगा कि एक्स वाई और जेड एक्स की डायरेक्शन में एकांक सदिश होता है आई कैप, एक्स की डायरेक्शन में एकांक सदिश होता है आई कैप, वाई की डायरेक्शन में होता है जे कैप और के की डायरेक्शन में होता है के कैप। अगर माइनस एक्स है तो माइनस आई कैप हो जाएगा, वाई माइनस वाई है तो माइनस जे कैप और माइनस जेड है तो माइनस के कैप। ये एकांक सदिश होते हैं जिन्हें अपन ने ये पढ़े होंगे 11वीं क्लास में। यदि हम यहां पर बात करें तो बोलिए क्या आएगा, इधर यानी जेड यानी के कैप, मैंने कहा बोथ डायरेक्शन, इसको हम ऐसे लिखते हैं या एरिया वेक्टर बराबर ये भी कह सकते हैं ए स्क्वायर माइनस के कैप, माइनस के कैप। तो क्षेत्रफल की दिशा पृष्ठ पर खींचे गए अभिलंब की दिशा में बाहर की ओर, किसमें केवल 3D में, ये कैसा है 2D, इसमें बोथ डायरेक्शन अंदर की ओर हो या बाहर की ओर दोनों सही मानी जाती है, जबकि 3D में ओनली बाहर की ओर। ओके, तो ये था एरिया, यहां से बात को हमने सीखा और यहां तक ले गया। ये होता है केवल मैग्नीट्यूड यानी प्लस जेड हो चाहे माइनस जेड है, तो तल की लंबवती यानी अंदर की ओर या बाहर की ओर। ओके, नोट कीजिए।
चले आगे। ये आपको मालूम होने से आप लिखते हैं ऐसे, आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, यानी जो आर है ये लंबवत होता है किसके, जिसमें ए बी, ए वेक्टर और बी वेक्टर है, यानी जिस तल में ए वेक्टर और बी वेक्टर है, ए वेक्टर और बी वेक्टर है, आर उस तल के क्या होता है परपेंडिकुलर, क्या होता है परपेंडिकुलर यानी लंबवत। ए और बी जिस तल में होते हैं, यहां पर किस तल में थे एक्स वाई में, तो आर रिजल्टेंट क्या आया उसके परपेंडिकुलर, क्या आया परपेंडिकुलर। सभी इलेवंथ की बातें हैं। ये कोई रेक्टेंगल है जिसकी लंबाई L और चौड़ाई B है, पूछा है एरिया वेक्टर, क्या करेंगे वही बात, 2D सरफेस है, एरिया वेक्टर बराबर आयत से लंबाई इंटू चौड़ाई L इंटू B, L इंटू B। अब बात आती है डायरेक्शन, किसकी बात आती है डायरेक्शन, तो क्या तो ऊपर की ओर, किस तल में है ये, एक्स जेड तल में है, एक्स जेड तल में है, तो इसकी डायरेक्शन क्या तो ऊपर की ओर या नीचे की ओर, ऊपर की ओर वाई यानी प्लस जे और नीचे बोले तो माइनस जे, बोथ डायरेक्शन इज करेक्ट, यानी जे कैप, और हम ऐसे भी लिख सकते हैं एरिया वेक्टर बराबर एल बी इंटू माइनस जे कैप। बात है छोटी सी लेकिन समझ में नहीं आएगी तो प्रश्न नहीं कर पाओगे आप। अब तक केवल आपको इतना ही पता था लंबाई इंटू चौड़ाई, आयत की बात करें तो वर्ग की बात करें तो भुजा स्क्वायर, एरिया कैसी राशि वेक्टर क्वांटिटी। इसी प्रकार यदि हम बात करें एक्स वाई और ये जेड, कुछ ही मान लो ये कोई सर्कुलर प्लेट है, वृत्तीय प्लेट जिसकी रेडियस है कैपिटल आर, जिसकी रेडियस है कैपिटल आर, बताना है एरिया वेक्टर क्षेत्रफल सदिश। अगर हम बात करते नॉर्मली टेंथ क्लास की तो आप बोल देते रेडियस आर पाई आर स्क्वायर, लेकिन ये तो मैग्नीट्यूड है, एरिया वेक्टर बराबर पाई, रेडियस कितनी आर तो आर स्क्वायर, ए तो ए स्क्वायर, जो भी होती रेडियस कैपिटल आर स्क्वायर। टू डी सरफेस है, टू डी सरफेस में बोथ डायरेक्शन अंदर की ओर या पृष्ठ पर खींचे गए अभिलंब की दिशा में बाहर की ओर कहो या अंदर की ओर, बाहर की ओर या अंदर की ओर। अभी तो करेंगे 3D सरफेस की बात, अपन ने जो क्षेत्रफल सदिश बेसिकली बताया वो 3D सरफेस के लिए बताया, लेकिन 2D की बात कर रहा हूं आपके सामने, यानी क्या तो इधर या इधर, ऊपर बोले तो के कैप, और एरिया वेक्टर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर माइनस के कैप, माइनस के कैप। टू डी सरफेस में बोथ डायरेक्शन करेक्ट होती है, अंदर की ओर कह दीजिए या बाहर की ओर, यानी इधर कह दीजिए एरिया वेक्टर और चाहे इधर कह दीजिए एरिया वेक्टर। ये था किस तल में, एक्स वाई तल में, एक्स वाई तल में, तो जो रिजल्टेंट आया
वो किस तल में आया? जेड में। किस में आया? जेड में। पृष्ठ के तल की लंबवत अंदर की ओर या बाहर की ओर? नोट कीजिए। ये तो हमने बात की 2D सरफेस की। समझिए चीज बहुत छोटी है, ये 4 लाइन की है बस। जो बुक्स वगैरह में लिखा होता है कि क्षेत्रफल की दिशा पृष्ठ पर खींचे गए अभिलंब की दिशा में बाहर की ओर, वो केवल 3D के लिए, 2D के लिए बोथ डायरेक्शन करेक्ट है, बस केवल यही बात थी। एरिया वेक्टर ढंग से क्लियर होगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स अपने आप आ जाएगा, और जब ये दोनों आ गए तो गॉस का नियम माने में कोई समस्या ही नहीं। थ्री डी यानी क्लोज्ड सरफेस, बंद पृष्ठ। जैसे घन की बात करता हूं मैं, किसी घन की, अब इसमें ध्यान दीजिए, एरिया वेक्टर कितनी सरफेसेज हो गई अगर कमरे की बात करें तो? ऊपर एक, नीचे एक, इधर एक, इधर और एक, इधर और एक इधर, 6 सरफेस हो गई टोटल। 3D सरफेस है, क्लोज सरफेस है। अगर हम इस सरफेस की बात करें, इस सरफेस की यदि हम बात करें तो इस पर एरिया वेक्टर किधर होगा? पृष्ठ पर खींचे गए अभिलंब की दिशा में बाहर की ओर, ये होगा एरिया, ना कि अंदर की ओर, जबकि 2D में दोनों एप्लीकेबल हो रहे थे। यदि हम बात करें इस सरफेस में ऊपर वाली, इसमें किधर? ये एरिया वेक्टर होगा, क्या होगा? एरिया वेक्टर। अगर हम बात करें इस नीचे वाली में, इसमें किधर? नीचे की ओर। ये किसकी डायरेक्शन होगी? एरिया वेक्टर की। अगर हम बात करें इसमें, इसमें किधर होगी? ये होगा एरिया वेक्टर। अब दो सरफेस रह गई, एक तो बाहर वाली और एक बैक साइड वाली। इस पर यदि हम बात करें, इस सरफेस पर यदि हम बात करें तो बाहर की ओर एरिया वेक्टर क्या होगा? ऐसे इस सरफेस पर। जबकि जो पीछे वाली बच गई, ये पीछे वाली बच गई, इस पर किधर होगा? अंदर की तरफ। तो ये थी 3D सरफेस में केवल ओनली आउटवर्ड डायरेक्शन, केवल पृष्ठ पर खींचे गए अभिलंब की दिशा में बाहर की। यदि हम बात करें इस पर, इस प्रकार से अगर हम बात करें ऊपर के सरफेस की, तो ये एरिया वेक्टर, ये एरिया वेक्टर। नीचे की बात करें तो ये एरिया वेक्टर, इधर की बात करें तो ये एरिया वेक्टर, इधर की बात करें तो ये एरिया वेक्टर, इधर की बात करें इस सरफेस की तो ये एरिया वेक्टर बाहर की ओर, और इस सरफेस की बात करें तो इधर की तरफ। ओके, तो ये थी 3D सरफेस। अब यदि इसी चीज को हम और आगे बढ़ाए, बात करें सिलेंडर की, यदि हम बात करें इस प्रश्न की, यदि हम बात करें बेलनाकार ऊपर वाले प्रश्न की, इसकी बात करें ऊपर की वृत्तीय भाग की, तो इस पर पृष्ठ पर नॉर्मल बाहर की एरिया वेक्टर, इसकी बात करें तो इस पर एरिया वेक्टर नीचे। इस वृत्तीय वक्रीय पृष्ठ की यदि हम बात करें, इधर की बात करें तो इधर ये एरिया वेक्टर, और इधर की बात करें तो ये इधर ये। इतनी बात समझ में आ रही होगी? मैं फिर बात को समराइज करके बोल रहा हूं आपके सामने कि क्षेत्रफल की दिशा, क्षेत्रफल एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्षेत्रफल की दिशा पृष्ठ पर खींचे गए अभिलंब की दिशा में, किताबों में लिखा है बाहर की ओर, यानी 3D की बात कर रहे हैं। अगर 2D की बात करें तो पृष्ठ के लंबवत
बाहर की ओर कहो या अंदर की ओर, दोनों बात सही है। जबकि 3D सरफेस की बात करें तो क्षेत्रफल की दिशा पृष्ठ पर खींचे गए अभिलंब की दिशा में ओनली बाहर की, बस केवल यही बात थी इसका निचोड़। ओके, यदि हम बात करें स्फीयर गोले की बात करें, ये इसका सेंटर त्रिज्यीय दिशा में बाहर की हो, जब भी हम इसके ऊपर कोई रेखा खींचते हैं नॉर्मल, तो ये सेंटर से पास होता है, ये एरिया वेक्टर। यहां बात करें ये भी क्या है, एरिया वेक्टर, ये भी क्या है, एरिया वेक्टर, ये भी क्या है, एरिया वेक्टर, क्या है, एरिया वेक्टर, इस पे गोल और ये सिलेंडर। ओके, और ये क्यूब। मेरा कहने का मतलब ये है कि 3D सरफेस में क्षेत्रफल की दिशा पृष्ठ पर खींचे गए अभिलंब की दिशा में बाहर की ओर। यदि हम सिलेंडर की बात करें तो इस पर ये इसका वृत्तीय भाग हो गया, वृत्तीय भाग एरिया वेक्टर, ऐसे ऊपर की ओर बाहर की ओर, नीचे सिलेंडर ये नीचे की ओर। अगर हम वक्रीय पृष्ठ की बात करें, एरिया वेक्टर इधर, एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर, सभी जगह क्या होगा, लंबवत बाहर की ओर, प्लेन के उस पृष्ठ के लंबवत। ओके, तो ये थी 3D सरफेस, नोट कीजिए। वैसे केवल ये था 5-10 मिनट का ही ओनली थ्योरेटिकल पोर्शन, लेकिन समझ में नहीं आता। क्योंकि जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ेंगे तो ई वेक्टर और ए वेक्टर के बीच के कोण की जरूरत पड़ेगी, मिटा दें। क्षेत्रफल सदिश सभी को क्लियर हो गया कि वेक्टर, सॉरी एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें परिमाण के साथ साथ क्या होती है, दिशा, क्षेत्रफल की दिशा पृष्ठ पर खींचे गए अभिलंब की दिशा में बाहर की ओर ओनली 3D, जैसे क्यूब, सिलेंडर, स्फीयर। बोथ डायरेक्शन अगर 2D की बात करें तो पृष्ठ पर खींचे गए अभिलंब की दिशा में बाहर की ओर कहें चाहे अंदर की ओर, बोथ डायरेक्शन करेक्ट माने। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स। अब बात आती क्या है विद्युत फ्लक्स। विद्युत क्षेत्र में स्थित, विद्युत क्षेत्र में स्थित, ध्यान से समझिएगा, जब हम मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे तो यही एडिंग आएगी, चुंबकीय फ्लक्स। जिसने विद्युत फ्लक्स पढ़ लिया उसके चुंबकीय फ्लक्स दिमाग में आसानी से बैठ जाएगा। विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को, विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। लंबवत वर्ड बड़े काम का है। अब ध्यान दीजिए एक बार, जैसे मान लीजिए
ये थोड़ी सी थ्योरेटिकल बात रह गई, थोड़ा सा फील लीजिए अब कि ये है क्या। दरअसल इसे रिप्रेजेंट करते हैं फाइव, यानी गोले के अंदर पाइप सा डाल दिया, फाइव पैरों में लगा दिया ई फोर इलेक्ट्रिक, इसे फाइव ई से दर्शाते हैं, फाइव ई से दर्शाते हैं। अब ध्यान दीजिए इधर थोड़ा सा, ये कोई एरिया है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है, और ये लाइन इसी से आर पार ऐसे जा रही है, यानी परपेंडिकुलर क्या है ये लंब। मैंने बोला कि विद्युत क्षेत्र में स्थित, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या, यानी बल रेखाएं इसमें से ऐसे जा रही, इसमें से ऐसे जा रही, ऐसे रहता है और बल रेखाएं इसमें से ऐसे, बल रेखाओं की संख्या तो बोलिए इसका फाई कितना है, बल रेखाओं की संख्या गिन लीजिए, एक दो तीन और चार, तो फ्लक्स कितना हो गया चार, फ्लक्स कितना हो गया चार। अब हमने क्या किया कि एरिया वही है, ये विद्युत क्षेत्र की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, मैंने बताया था कि बल रेखाएं जहां पास पास होती हैं वहां पर विद्युत क्षेत्र प्रबल होता है, और बल रेखाएं जहां दूर दूर होती हैं वहां पर विद्युत क्षेत्र दुर्बल होता है। तो बल रेखाओं के बीच की दूरी, विद्युत क्षेत्र के लिए स्ट्रॉन्ग करना है तो बल रेखाओं के बीच की दूरी बढ़ा दें, बोलिए अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार पांच और ये छह, कितनी बल रेखाएं गुजर रही है इससे, छह। यानी अपन ने देखा कि ई को इंक्रीज किया, को क्या किया इंक्रीज, तो फ्लक्स क्या हो गया इंक्रीज, फ्लक्स बढ़ गया। ई कैसे बढ़ाया, बल रेखाओं के बीच की दूरी क्या कर दी कम, विद्युत बल रेखाओं, मैंने बात पढ़ाई थी कि विद्युत बल रेखाएं जहां पास पास इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग, यानी ई को इंक्रीज कर रहे तो फ्लक्स बढ़ रहा है, यहां पर कितना था चार, यहां पर कितना है छह। अब यदि हम बात करें एरिया को बढ़ा दें, किसको बढ़ा दें, मैं तुलनात्मक अध्ययन कर रहा हूं, एरिया को बढ़ा दें सरफेस के एरिया को बढ़ा दें तो क्या होगा, तुलनात्मक सारी की सारी बल रेखाएं ये ऊपर और नीचे, सारी की सारी एक बल रेखा इसके अंदर ही आ जाएगी, दो दो चार और दो छह, इसी के तुलनात्मक डायग्राम बनाए हैं, ऊपर वाली और नीचे वाली जो बाहर थी उसकी क्या हो जाएगी अंदर, टोटल लाइन कितनी हो जाएगी, दो दो चार दो छह और दो आठ,
यदि हम बात करें अब कितनी लाइन, सारी की सारी लाइन एरिया को बढ़ा दिया तो ये नीचे और ऊपर वाली लाइन किसके अंदर आ गई, तो दो दो चार दो छह और दो आठ, यानी फ्लक्स कितना हो गया, बल रेखाओं की संख्या आठ। यानी हमने देखा कि एरिया जब इंक्रीज किया तो भी फ्लक्स क्या हो गया, बढ़ गया, तो भी फ्लक्स है बढ़ गया। तो ये था क्या कि विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ की लंबवत गुजरने वाली, लंबवत परपेंडिकुलर, लंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। जब चुंबकीय फ्लक्स पढ़ेंगे तो समझ में तो यही आ गया होगा, विद्युत क्षेत्र की जगह आ जाएगा चुंबकीय क्षेत्र और यहां पर आ जाएगा चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या और यह बन जाएगा चुंबकीय फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स। ओके, इसे फाई ई से रिप्रेजेंट करते हैं। यहां पर बल रेखाएं कितनी गुजर रही थी, चार। फिर हमने क्या किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड को स्ट्रॉन्ग कर दिया, बल रेखाओं के बीच की दूरी कम कर दी तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हो गया, तो भी हमने देखा और पाया इसके तुलनात्मक डायग्राम है ये, तो देखा कि फ्लक्स बढ़ गया, चार से कितना हो गया छह, चार से कितना हो गया छह। फिर हमने क्या किया इसके तुलनात्मक इसमें, इसमें एरिया बढ़ा दिया, क्या बढ़ा दिया एरिया, तो जो लाइन बाहर थी ये ऊपर वाली और ये नीचे वाली, एरिया जैसे ही बढ़ाया तो ये दोनों लाइन इसके अंदर आ गई, तो फ्लक्स कितना हो गया छह में दो जुड़ गए कितना आठ, यानी एरिया इंक्रीज किया तो फ्लक्स क्या हो गया इंक्रीज हो गया। नोट कर लीजिए, अगर कोई पेन लेके बैठा है कीजिए साथ अभ्यास के लिए। चले आगे, तो हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाया तो फ्लक्स बढ़ा, एरिया बढ़ाया तो फ्लक्स बढ़ा। डेफिनेशन याद हुई, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ की लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। यानी फाई ई समानुपाती ई, ऐसे कह सकते हैं फाई बी समानुपाती ई। लेकिन अब बात आती है कि जैसे ये एरिया था कोई सरफेस था, अब इसको मैं ऐसे करता जाता हूं ऐसे ऐसे, जैसे फॉर एग्जांपल ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये ऐसे है तो इसमें कितनी बल रेखा गुजर रही है तीन, कितनी बल रेखा गुजर रही है तीन। जैसे मैं इसको बदलता जाता हूं इसमें से कितनी बल रेखा गुजर रही है दो, अब कितनी गुजर रही है एक, और अब एक भी नहीं गुजर रही। इसका मतलब यह हुआ कि जो फ्लक्स है वो ई पर भी डिपेंड करता है, ए पर भी डिपेंड करता है और एक कोण थीटा पर भी डिपेंड करता है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं ये कोई एरिया है और ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे
ये इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यदि हम बात करें, सबसे पहले ये प्लेन कैसे रखा है, प्लेन कैसे रखा है समझाने के लिए, ये पेज लिया ऐसे, यस ऐसे रखो, फ्रेम समझिए, खिड़की फ्रेम। अब इसमें से बल रेखा ऐसे जा रही है, बल रेखा ऐसे जा रही है, यानी इस सरफेस पर एरिया वेक्टर किधर होगा, एरिया वेक्टर ये पृष्ठ पर खींचे गए अभिलंब की दिशा में बाहर की ओर, पृष्ठ पर खींचे गए अभिलंब की दिशा में बाहर की ओर, यानी एरिया वेक्टर होगा ये। बोलिए ई वेक्टर व ए वेक्टर के मध्य कोण कितने डिग्री है, जीरो डिग्री। कोण कितने डिग्री है, जीरो डिग्री। ई वेक्टर व ए वेक्टर के मध्य कोण कितने डिग्री, जीरो डिग्री। यानी फ्लक्स को हम लिख सकते हैं फाइ ई बराबर ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर होता है ए बी कोस थीटा। फाइ ई दो सदिशों के अदिश गुणनफल से कैसी राशि प्राप्त होती है, अदिश। तो विद्युत फ्लक्स कैसी राशि है, अदिश। वेक्टर मत लगा देना, ई ए कोस थीटा। फाइ ई बराबर ई ए कोस थीटा। अब बात करते हैं हम थोड़ा सा समझने के लिए इसको ऐसे, समझिए अन्यथा सवाल नहीं कर पाओगे आप, केवल परिभाषा मात्र से सवाल नहीं होंगे कि विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को थोड़ा सा समझिए कि दरअसल में लॉजिक क्या है। यह कोई एरिया है, यदि हम बात करें ऐसे, ओके। अब हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई लो, क्या है ये इलेक्ट्रिक, जरूरी थोड़ी सी गई इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे। तो सबसे पहले तो बात करें फ्लक्स निकालने के लिए, इस पर नॉर्मल कैसे आएगा, ये पृष्ठ पर खींचे गए अभिलंब की दिशा में बाहर की, ये क्या है एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर। और इन दोनों के मध्य कोण कितना है, थीटा। कोण कितना है, थीटा। अब बात आती है समझने की, बात आती है, जरूरी नहीं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज क्षैतिज हो, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। ये एरिया था, इलेक्ट्रिक फील्ड था ऐसे, इस पर नॉर्मल खींचा एरिया वेक्टर, क्यों, क्योंकि ये थीटा क्या है, थीटा ए वेक्टर व ई वेक्टर के बीच का कोण है, बीच का कोण है, ना कि ए व बी का भी। ए वेक्टर यानी क्षेत्रफल सदिश, बोलिए क्षेत्रफल सदिश, या बोलिए पृष्ठ पर खींचा गया अभिलंब, वन वर्ड में क्षेत्रफल सदिश व विद्युत क्षेत्र सदिश के बीच का कोण है। ध्यान दीजिए यहां पर E को घटकों में वियोजित करें, इसी का रखा है मैंने आपको, E को किस में वियोजित करें, घटकों में वियोजित करें, तो बोलिए E का ये थीटा कोण है, बोलिए कंपोनेंट कितना होगा, E cos थीटा, E cos थीटा। इसका दूसरा कंपोनेंट इधर थोड़ी आएगा, नीचे आएगा रिजल्टेंट बीच में, तो ये आएगा इसका E sin थीटा, साइन थीटा। बोलिए इसमें से, इस सरफेस में से, इस सरफेस में से ई का कौन सा घटक, ई का कौन सा घटक पास हो रहा है, ई कोस थीटा या ई साइन थीटा, ई कोस थीटा आर पार ऐसे, ई कोस थीटा, ई साइन थीटा तो ऐसे निकल गया, इधर से ऐसे निकल गया और इधर से ऐसे निकल गया। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये ऐसे है और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, तो इसको पार करता हुआ जाएगा, पार करता हुआ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, मैक्सिमम बल रेखाएं गुजरेंगी इसके अंदर से, मैक्सिमम बल रेखाएं। अगर हम इसे कर देते हैं ऐसे,
तो अब क्या होगा, ये वक्र रेखा ऊपर की चली गई और ये नीचे गई, यानी फ्लक्स का मान कितना हो गया, जीरो। क्यों? इससे गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या जीरो हो गई, बल रेखाओं की संख्या ही जीरो हो गई। तो मेरा कहने का मतलब है इसमें ई का कौन सा घटक गुजर रहा है, ई कोस थीटा, ई साइन थीटा, तो ऐसे निकल गया इधर से ऐसे और इधर से ऐसे। अब आपको थोड़ा सा फील आया होगा कि फ्लक्स में ई का वह घटक लेना है, फ्लक्स में समझिए थोड़ा सा, ई का वो घटक लेना है जो ई का वो कंपोनेंट वो घटक लेना है जो एरिया वेक्टर के यानी जो क्षेत्रफल सदिश के क्या हो, अनुदिश हो, क्षेत्रफल सदिश के अलोंग यानी अनुदिश हो। बड़ी बारीक चीज बता रहा हूं मैं आपको, अनुदिश हो। फ्लक्स निकालते समय ई का वो घटक या वो कंपोनेंट लेना है जो क्षेत्रफल सदिश के अनुदिश हो यानी उसके अलोंग हो, उसी दिशा में हो। अभी ये तो किताबों में लिखा होता है कि ये अदिश गुणनफल ये आ गया, आप ध्यान दीजिए कि ये चीज आई तो कैसे, फाई ई ए यानी वो घटक लेना है यानी ई कोस थीटा इंटू ए, तो क्या आ गया फाई ई बराबर ई ए कोस थीटा, क्या आ गया फाई ई बराबर ई ए कोस थीटा। तो ये था फ्लक्स। ध्यान दीजिए किस किस पर डिपेंड कर रहा है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे बढ़ेगी, बल रेखाओं की सघनता बढ़ा देंगे, एरिया यानी एरिया बढ़ाकर। थीटा क्या है, ध्यान दीजिए थीटा ए वेक्टर यानी क्षेत्रफल सदिश या बोलिए पृष्ठ पर खींचा गया अभिलंब तथा विद्युत क्षेत्र सदिश के बीच का कोण है। यदि हम बात करें यहां तो फ्लक्स निकालते समय ई का वो घटक लेना है, ई का वो घटक लेना है जो क्षेत्रफल सदिश के अनुदिश हो, क्षेत्रफल सदिश के अनुदिश हो। नोट कीजिए चले आगे। अब इसी को तो अपन लिख सकते हैं, ये अरे इसी को तो लिख सकते हैं, ये ई ए कोस थीटा ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। तो फ्लक्स निकालते समय ई का वो घटक लेना है जो क्षेत्रफल सदिश के अनुदिश हो। क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके ऊपर, विद्युत फ्लक्स तो कोई पढ़ लेता है, तीन लाइन ही तो हिंदी, लेकिन ये कोण का फंडा समझ में नहीं आता है। इधर ध्यान दीजिए, जैसे ये कोई डिस्क है, चक्की है, रिंग है कोई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड, समझिए थोड़ा सा कि ये कोई चक्ती है आर त्रिज्या की, आर त्रिज्या की। अब इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, एरिया वेक्टर एरिया वेक्टर
अब 2D में थोड़ा ध्यान रखना, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड हो उधर ही एरिया वेक्टर ले लिया, बात आपके सामने आई होगी। सर नीचे भी तो ले सकते हैं, नीचे भी तो ले, हाँ ले सकते हो, लेकिन जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड उधर ही लेना आसान रहता है, एरिया वेक्टर हो गया। अब हम बात करें कि इलेक्ट्रिक फील्ड को, इलेक्ट्रिक फील्ड को विद्युत क्षेत्र को दो घटकों में तोड़ो। कितने घटकों में तोड़े? दो घटकों में। कोण दे रखा था आपके पास मान लीजिए 30 डिग्री, कितने डिग्री कोण दे रखा था? 30 डिग्री। 30 डिग्री का कोण दे रखा था और आपसे पूछा था इससे निर्गत फ्लक्स की गणना कीजिए, इससे निर्गत फ्लक्स की गणना कीजिए, निर्गत फ्लक्स की गणना कीजिए। अब कईयों को समस्या होती है, पता नहीं क्या इसकी त्रिज्या मान लीजिए दे दी आपको, आप फ्लक्स निकालना है, क्या निकालना है? फ्लक्स। थोड़ी देर समझिए कि आप ये क्वेश्चन था, बस इतना ही। ये तो एरिया वेक्टर का पूर्ण दिमाग लगाया बस, ठीक। अभी मैंने जो बात बताई उस बात को काम में लो कि फ्लक्स निकालते समय ई का वो कंपोनेंट लेना है जो एरिया वेक्टर के अलोंग हो, और एरिया वेक्टर मैंने आपको बता दिया कि क्षेत्रफल, क्षेत्रफल की दिशा पृष्ठ पर खींचे गए विलंब की दिशा में, अंदर की ओर, बाहर की ओर, 2D में, 3D में ओनली बाहर की ओर। 2D कहलाते हैं आपके ओपन सरफेस और 3D कहलाते हैं क्लोज्ड सरफेस। फ्लक्स निकालना कई बच्चे आराम से कर जाते हैं जल्दी जल्दी, फाई ई बराबर ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर और फाई ई बराबर ई ए, ये पढ़ रखा है आपने कोस थीटा, फाई ई बराबर ई ए बोले तो रेडियस आर पाई आर स्क्वायर कोस एंगल 30 डिग्री, तो फाई ई बराबर ई इंटू पाई आर स्क्वायर कोस 30 की वैल्यू अंडर रूट तीन बटा दो, तो उत्तर आ गया E into pi r square रूट तीन बटा दो, जो कि आंसर गलत है। क्या है? गलत है। नाम मात्र से काम नहीं चलेगा कि थीटा ही दे रखा है, यही तो गलती करते हो आप। इधर ध्यान दीजिए, अब इसकी यदि हम बात करें, ये सर्कुलर कोई कोयल है, एरिया वेक्टर पृष्ठ पर खींचे गए अभिलंब की दिशा में बाहर की ओर। मैंने बोला कि अगर यहां पर समस्या आ रही होगी आपसे कि आपने तो बताया था ऊपर की ओर या नीचे की ओर, लेकिन उधर ले लो जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है, जिधर क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो एरिया वेक्टर ऐसे सरफेस है, तो एरिया वेक्टर क्या होगा? ऐसे ऊपर की ओर। ये क्या होगा? एरिया वेक्टर। क्या होगा ये? एरिया वेक्टर। अब ई को घटकों में वियोजित करें, किस में वियोजित करें? घटकों में। या हम बात करें कि थीटा क्या था? थीटा था ए वेक्टर व ई वेक्टर के बीच का कोण। बोलिए ये कोण चाहिए या ये कोण है? ये कोण। ये कंप्लीट कितने का है? 90 का। तो 90 माइनस 30 बोलिए कितना बच गया? 60। तो ये ए वेक्टर और ये ई वेक्टर, ये एंगल था ए वेक्टर व ई वेक्टर के बीच का कोण, ये तो बताया था थीटा। अब क्या आएगा? फाई ई बराबर वही ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर और फाई ई बराबर ई ए कोस थीटा और फाई ई बराबर ई, एरिया रेडियस आर है तो पाई आर स्क्वायर कोस थीटा की जगह 60 डिग्री और कोस 60 की वैल्यू 1/2, ये है करेक्ट आंसर। क्या है ये? करेक्ट आंसर जबकि ये रॉन्ग था। इतनी बात समझ में आ रही है आपके? अगर नॉर्मल भी हम करें, यहां देखिए ध्यान से, घटकों में तोड़े इसको, इसको जब हम घटकों में तोड़ते हैं तो इसके साथ एंगल है, तो ये कौन सा कंपोनेंट हो गया? ई कोस 60 और ये क्या हो गया? ई साइन 60। ई साइन 60। अब कोई कोयल ऐसे
रिंग, उसमें फ्लक्स में केवल ई के कौन से कंपोनेंट का योगदान है? अरे भाई ई कोस थीटा ही तो जा रहा है ऐसे, ई कोस थीटा ही तो जा रहा है, ई साइन थीटा तो ये नीचे से इधर ऐसे निकल गया और ये ऐसे निकल गया। इतनी बात समझ में आई क्या? वो मेरा फंडा भी लिया हो जाए कि फ्लक्स निकालते समय ई का वो कंपोनेंट आता है जो एरिया वेक्टर के अलोंग हो या उसके अनुदिश हो। तो ए इंटू एरिया वेक्टर के अलोंग ई कोस थीटा, ई ए कोस 60 डिग्री। बात समझ में आ रही है क्या? नोट कर लीजिए। तो थीटा क्या है? ए वेक्टर, ए वेक्टर बोले तो क्षेत्रफल सदिश वन वर्ड में या पृष्ठ पर खींचा गया अभिलंब और क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण है, ना कि उसके तल और विद्युत क्षेत्र के बीच का कोण नहीं है। तल पर पहले क्या खींचो? नॉर्मल। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऐसे इवेंट और पूछा है फ्लक्स, तो बोलिए क्या होगा? ऐसे है, इस पर एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, ये हो गया एरिया वेक्टर। बोलिए दोनों के मध्य एंगल कितने डिग्री? 0 डिग्री। तो फाई ई बराबर ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा, यानी थीटा की जगह कॉस 0 डिग्री, और फाई ई बराबर ई का ई आ गया ए एरिया ए स्क्वायर, ई ए स्क्वायर कॉस 0 की वैल्यू ए ई ए स्क्वायर। इसी प्रकार हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, बताइए फ्लक्स कितना है, बताइए फ्लक्स कितना है? एक्स वाई तल में ही, किस तल में है? एक्स वाई तल में। इस पर एरिया वेक्टर कैसे? या तो ऐसे या अंदर की ओर। बताइए एंगल कितने डिग्री? एंगल कितने डिग्री? 90 डिग्री। एंगल कितने डिग्री? 90 डिग्री। ये एरिया वेक्टर। तो फाई ई बराबर, फाई ई बराबर ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, और फाई ई बराबर ई ए कोस 90, और कोस 90 की वैल्यू 0, कोस 90 की वैल्यू 0। नोट कर लीजिए, रात को भी पेन लेके बैठिए साथ।
चले आगे। विद्युत फ्लक्स हमने बताया, ये तो हमने बेसिक बात करी न्यूमेरिकल पोर्शन के लिए कि विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई ई से दर्शाते हैं, फाई ई से दर्शाते हैं। यह एक अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश राशि है। क्यों? क्योंकि फाई ई बराबर ई वैक्टर डॉट ए वैक्टर। विद्युत क्षेत्र भी सदिश राशि है और क्षेत्रफल भी कैसी राशि है? सदिश। दो सदिशों का कैसा गुणनफल है? अदिश। तो कैसी आई अदिश का भी वेक्टर मत लगा देना इसके ऊपर। अब बात आती है मात्रक, विद्युत फ्लक्स का मात्रक। कुछ नहीं करना है आपको, फाई ई बराबर केवल कोड आना चाहिए, फाई ई बराबर ई। कोई बच्चा कह रहा हो उसे कोस थीटा लगाओ, शुद्ध संख्या और शुद्ध अनुपात, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कोई मात्रक विमा नहीं होता है, तो ई ए। अब बात आती है ई की। किसकी बात आती है? ई की। फर्स्ट चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसका कोड याद आ रहा होगा, ई बराबर एफ अपॉन क्यू या क्यू नो। इसके दो मात्रक बताए थे, न्यूटन प्रति कूलम या वोल्ट प्रति मीटर। अब ई का एक बार तो रखेंगे ये, तो फ्लक्स का एक मात्रक आएगा, और जब ये रखेंगे तो उसका दूसरा रूप निकल के आएगा, यानी ई बराबर न्यूटन प्रति कूलाम लेने पर बोलिए फ्लक्स का क्या आएगा? न्यूटन प्रति कूलाम। रटने का कुछ नहीं, अगर समझते चल रहे हो, ई की जगह मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम, मल्टीप्लाई ए एरिया लंबाई इनटू चौड़ाई मीटर स्क्वायर, तो मात्रक आ गया न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। अब ई क्या ले लें एक बार? वोल्ट प्रति मीटर लेने पर या रखने पर बोलिए क्या आएगा? फ्लक्स फाई ई बराबर ई की जगह वोल्ट प्रति मीटर इनटू एरिया मीटर स्क्वायर, एक मीटर से एक मीटर कैंसिल, फ्लक्स क्या आ गया? वोल्ट इनटू मीटर, वोल्ट इनटू मीटर, वोल्ट इनटू मीटर है विद्युत फ्लक्स का, जबकि वोल्ट प्रति मीटर है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। कई बार शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है विद्युत फ्लक्स का, ऐसा ही मात्रक लिखिए, यह सदिश राशि है अथवा अदिश। तो कैसी राशि है? अदिश राशि है। मात्रक हो गया। अब बात करते हैं इसका विमीय सूत्र। क्या बात करते हैं? इसका विमीय सूत्र, इसकी विमा, फ्लक्स की विमा। कुछ नहीं करना है, रटी थोड़ी जाती है विमा। विमा विमा की बात करें तो फाई ई बराबर कोड क्या है? ई ए। अब ई की भी डायरेक्ट नहीं पता है, निकाली थी ई बराबर एफ अपॉन क्यू से, नहीं पता चूंकि बस सीधा ई बराबर एफ अपॉन क्यू या क्यू नॉट, तो फाई ई बराबर एफ अपॉन क्यू नॉट इनटू ए। अगर 11th क्लास की बात करें तो और आगे भी जा सकते हैं अपन, लेकिन अब वो दो थोड़ी है, एफ बराबर एम ए, लेकिन बल्कि तो डायरेक्ट याद होती है एम एल टी की पावर माइनस टू। तो सबका विमीय सूत्र रख दीजिए अलग अलग, फोर्स का एम एल किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, एम एल टी की पावर माइनस टू इंटू एरिया एल स्क्वायर डिवाइड बाई, आगे इसका विमीय सूत्र बताया था ए टी। अब व्यवस्थित कर दीजिए बस, सबसे पहले वरीयता एम को, फिर एल को, फिर टी को, उसके बाद में बची बची चीजों को। एम एम एल मल्टीप्लाई एल स्क्वायर एल क्यू, एल क्यू टी की पावर नीचे एक है तो ऊपर जाएगा माइनस, टी की पावर माइनस टू मल्टीप्लाई टी की पावर माइनस वन, टी की पावर माइनस थ्री और ए की पावर माइनस वन। तो विमीय सूत्र आया एम एल थ्री, एम एल थ्री टी की पावर माइनस थ्री, ए की पावर माइनस वन।